Exactly. आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह का ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी, किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे, वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलो मीटर में फैलेगा उसका होता है एक शब्द, क्लीन शब्द, कैदा लय में मिलावा बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन, गा गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो, अभी मने मन बोल के देखो, अंग बहुत यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रह नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आता। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है, राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहितजी गुरुभाई से निवेदन है कि गुरुदेव की लेखनी पढ़ के सुनाएं। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरुभाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार माइक खुला हुआ है किसी, 3:30 आधा घंटा, 3:30 पूरी तो किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो निकृता राठौर का माइक खुला है, 3:15 का मिलेगा ना पूरी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु माइक खुला हुआ है किसी का। जी
माइक म्यूट करें अपना। हेलो हेलो माइक, रितिका राठौड़ माइक म्यूट कर दे अपना प्लीज। हाँ जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन्न सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। गीता 18 विसर्ग 61। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है, 11 विसर्ग 32, 11 विसर्ग 33 एवं 11 विसर्ग 34। गीता के उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं थी, उन्होंने मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो। अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। परंतु जो जीव संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांग जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है।
गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है। अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, गीता 18:72। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात गीता 18:73, अर्थात हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्मगुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती, दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम रोजाना सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे संचालित किया जाता है। सुबह 5 बजे गुरुदेव की स्तुति सुन के और 15 मिनट का ध्यान किया जाता है। 5 से 5:30 तक ये प्रोग्राम होता है और शाम को सात बजे से 8:30 तक ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें गुरुदेव की स्तुति सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान किया जाता है, सामूहिक ध्यान, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है और उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है तथा सभी गुरु भाई बहन उसके बाद आपस में गुरुदेव के जो भी साधना के अनुभव होते हैं वो शेयर करते हैं, गुरु चर्चा की जाती है। इसके अलावा हर सप्ताह में एक बार संडे को बच्चों का प्रोग्राम भी होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने अनुभव बताते हैं, बच्चों को ध्यान करवाया जाता है सामूहिक और इससे बच्चों के जो भी अनुभव होते हैं, उनकी जो भी जिज्ञासाएं होती है वो सब सुने जाते हैं। तो उस प्रोग्राम में भी सभी अपने बच्चों को जोड़े, ये आग्रह रहेगा, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है, वो देखते हैं तो वो भी सीखते हैं। इसलिए सभी गुरु भाई बहन अपने बच्चों को संडे को सुबह 9 बजे इस प्रोग्राम से जोड़ने की कृपा करें। इसके अलावा एक इंग्लिश का प्रोग्राम भी चल की कर रहे हैं 9 बजे ठीक है, ऑन कर प्रसार के कार्यक्रम का उद्देश्य जो भी गुरु भाई रहे उनको जो भी उनके प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती है या उनकी अनुभूतियां वो बताना चाहते हैं सबको, तो सामूहिक ध्यान करवाना
इसका उद्देश्य होता है। कई गुरु भाई बहनों को इससे बहुत लाभ होता है, जैसे मुझे भी जब मैं इस सेशन से जुड़ी उसके बाद ही मुझे गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का इतना जो इम्पोर्टेंस है वो सेशन से जुड़ने के बाद ही मुझे पता चला, और उसके बाद ही मेरा मंत्र जाप सही तरीके से शुरू हुआ। वरना मैं बहुत टाइम से गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, लेकिन असली महत्व तो मुझे और इतना इम्पोर्टेंस मुझे सेशन से जुड़ने के बाद पता चला। तो जो भी गुरु भाई बहन है वो और भी लोगों को जो भी गुरुदेव का ध्यान साधना करते हैं उनको इससे जोड़ने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, मंच पर रख सकते हैं। स्वागत है सभी गुरु भाई बहनों का। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अपना अनुभव साझा करें। जैसा कि हम सबको पता है गुरुदेव की साधना बहुत सीधी बहुत सरल है। सुबह शाम दो टाइम 15-15 मिनट का मंत्र ध्यान करना होता है और 24 घंटे मंत्र जाप करना होता है। ये साधना बहुत सरल है और इस सरल कलयुग में इतनी सरल साधना सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव ने ही दुनिया को दी है। इससे जो लोग जितना जल्दी जुड़ सके उनका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। साधना से ज्यादा लोगों को जोड़ने की सबकी कोशिश होनी चाहिए। रजत शर्मा नए गुरु भाई हैं, आपका स्वागत है, कुछ आप कहना चाहो तो। रजत शर्मा जी हेलो, जय गुरुदेव। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी मैं नया जुड़ा हूँ, मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मतलब मार्च 2020 से 18 मार्च से। तो मेरा मंत्र जाप सही चलता है, कभी गलत मतलब कभी कभी है ना कम हो जाता है। और आजकल पता है क्या हो रहा है कि मंत्र जाप इतना ढंग से नहीं हो पाता, मन जैसे फोन में चला जाता है और कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो रहा है बस सोचते हैं आज पूरे दिन करेंगे तो पूरी तरह हो नहीं पाता। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि मंत्र जाप 24 घंटे कैसे चले, मतलब ध्यान तो रोज ही ना करता हूँ मैं 2 टाइम, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है क्या, जैसे हम सुबह 9 बजे ध्यान करते हैं और एक या हम सुबह जल्दी उठ के करें तो दोनों में अंतर आता है? तो ये वाला क्वेश्चन था। सुबह आप जल्दी उठ के करो तो उससे मंत्र जाप बहुत अच्छा होता है और उस मंत्र जाप का असर सारे दिन रहता है। सुबह गुरुदेव ने बोला सूर्योदय से पहले अगर आप ये करते हो तो ये सबसे उत्कृष्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। और यही मंत्र जाप की कभी अच्छे से हो जाता है कभी नहीं होता है, ये लगभग सभी के साथ होता है। तो गुरुदेव ने बोला है कि मंत्र जाप के लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको अपनी बुद्धि का प्रयास करके उसे बार बार मंत्र जाप करना होगा, बार बार याद करके बार बार मंत्र जाप करोगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, अपने आप चलने लगेगा अंदर। लेकिन कुछ टाइम हमें बुद्धि का प्रयास करके उसको बार बार याद करके बार बार जपना पड़ेगा, बार बार वो मंत्र मन ही मन बोलना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे कोशिश करते करते अजपा शुरू हो जाता है, फिर वो अपने आप अंदर मंत्र चलता रहता है। और भी कोई गुरु भाई बहन इनके प्रश्न पर अपने विचार? थैंक यू गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। रजत शर्मा जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। गुरु भाई एक दो बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। आपने कहा कि सुबेरे 9 बजे, देखिए अभी मौसम जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें गुरुदेव जो बताते हैं सुबेरे के लिए, तो एक तो वो इस वजह से बताते हैं कि थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। दरअसल ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है ना। हाँ जी सर। गुरुदेव कहते हैं ना असंख्य ऋषियों की कमाई है इसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, चेतन मंत्र है ये, एनलाइटेंड मंत्र है ये। तो गुरुदेव कहते हैं मैं तो दोनों हाथों से लुटाने के लिए निकला हूं। तो एक्चुअली में ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है
तो इससे क्या है कि अगर जो है अब जैसे मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो अगर सवेरे 9 बजे करेंगे उस वक्त तक काफी गर्मी हो जाएगी, तो फिर वो बॉडी में थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है। किसी किसी के जरूरी नहीं है सबके ऐसा हो, तो किसी किसी की प्रकृति जी ऐसी होती है थोड़ा, तो वो उनको गर्मी फील हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि सवेरे अगर कोई मान लो किसी भी वजह से नहीं कर सकता, सिर्फ उसके लिए 9 बजे ही पॉसिबल है, तो कम से कम ध्यान को छोड़ने की बजाय, स्किप करने की बजाय वो 9 बजे ही कर ले। लेकिन एक तरीका जो मैं एक्चुअली में सबसे निवेदन करता हूँ, एक तरीका क्योंकि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कई बार, कि जैसे आप अलार्म लगा के सो गए 4 बजे का 4:30 बजे का, और फिर उसके बाद उठ के बस आपने बेड पे बैठे बैठे ही 15 मिनट अगर ध्यान करके आप फिर दोबारा भी सो गए ना, तो वैसे भी कर सकते हैं जी सर। जी अलार्म लगा के जो है उठ गए 4:15, 4:30, 4:45 जो भी है, और बस उसके बाद थोड़ा सा अगर आपने जो है मुंह में पानी लेके कुल्ले वुल्ले किए, थोड़ा आंखों पे छींटे बीटे मार लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको बस 15 मिनट जो है ध्यान करके फिर आप दोबारा सो जाओ, और फिर आपको जब उठना है 8 बजे 9 बजे जब भी उठना है आप आराम से उठ सकते हो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, चलो पहले मैं सुबह भी करता था, तो स्केड्यूल एकदम चेंज हो गया, मतलब आजकल 9 का तो अपन को पता रहता है सारी चीज, हम गुरुदेव के उससे जुड़े हैं, सभी गुरु भाई वो जानते हैं, पर कई चीजें क्या होती है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, जैसे हमारा गुरुदेव से प्यार भी रहता है ना, गुरुदेव को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, डेली ध्यान करना चाहे कहीं भी जा रहे हैं, पर जब प्रॉब्लम आती है तो वो समर्पण नहीं आ पाता, थोड़ा टेंशन आ जाता है ना। ये नहीं है कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, गुरुदेव को ही मानते हैं, पर वो प्रॉब्लम आ जाता है तो माइंड में चलता है, नेगेटिविटी आती है, तो ये हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि चलो हमारा ऑटोमेटिक 9 बजे एक सुबह का नहीं हो रहा, पहले हम सुबह उठते थे, पर मेन है मंत्र जाप। अगर हम मंत्र जाप पूरे दिन करते हैं मान लो, है ना, तो ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाती है ना आपके अंदर परिवर्तन। गुरुदेव ने कहा है मंत्र ही चाबी है ना, ध्यान के लालच में मंत्र ढीला मत छोड़ देना। अब वो तो पूरे दिन ही जपना है ना, वो एक स्टेप चलते रहते हैं ना, आगे की स्टेज आ गई वो आ गई। तो कभी कभी मेरे क्या होता है कि मंत्र जब हम करते हैं, सब पता है कि मंत्र का मतलब ये है, तो अंदर ही अंदर थोड़ा डाउट आ जाता है ना कि अंदर ही अंदर वो जम रहा है मंत्र, मतलब क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है उसका उच्चारण, मन में थोड़ा स्लो होता है ना, तो हम बहुत फोकस करने लग जाते हैं, जैसे जोर होता है ना मंत्र पे, अरे मंत्र करना है एक काम की तरह है ना, अरे एक मंत्र करना होगा इतना करना है, तो मेरे अंदर आ जाता है आज तो मैं पूरे दिन करके रहूंगा, तो उतना हो नहीं पाता। तो इसका आप आंसर दीजिए सर। देखिए मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि जो मंत्र के उच्चारण की बात आपने कही है ना, तो हाँ जी सर कि जी हाँ जी बोलिए कुछ कह रहे हैं आप। मंत्र जाप का उच्चारण हमको पता है, जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो सही है बिल्कुल, हमको सारा उच्चारण पता है। जब मन में करते हैं एक बोल के गुरुदेव को सुनना है ना, जैसे गुरुदेव बोल के बता रहे हैं, तो मन में बहुत उसकी आवाज स्लो जाती है ना, तो अंदर डाउट होने लगता है यार उसका उच्चारण प्रॉपर ही करे है ना, उसका एक एक शब्द सुनाई दे, तो उतना हो नहीं पाता, बहुत स्लो हो जाती है स्पीड है ना, स्पीड का भी फिर चक्कर पड़ने लगता है। ये था जी जी। देखिए स्पीड तो वैसे भी ना ये सबके साथ होता है, स्पीड तो वैसे भी कम ज्यादा होती रहती है, खास तौर से कई बार ऐसे होता है जब सुबेरे के टाइम पे ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान भी अच्छा लगता है और उच्चारण भी जो है प्रोनाउंसिएशन भी वो बहुत अच्छा होता है, और बहुत ही अच्छी स्पीड से मंत्र जाप होता है और दिन में कई बार वो इतनी स्पीड से नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो जी सर। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि ऐसे तमाम टाइम जो है दिन में जब आपके लिए पॉसिबल है तो वो मिस नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉक कर रहा है पार्क में जाके, है ना, या दिन में भी कहीं पे वॉक कर रहे हैं आप या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा टाइम है कि हम उस वक्त कर सकते हैं, है ना। जैसे मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आप गए, आप टूथब्रश वगैरह कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वो टाइम तो ऐसा है ना कि हम उसको कर सकते हैं मंत्र जाप, क्योंकि मानसिक ही करना है, मानसिक जाप करना है ना, तो वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रात को जब हम बेड पे जाके सोते हैं तो एकदम से तो नींद नहीं आती, 5-7-10 मिनट तो लगते ही है नींद आने में,
वो हम जो है उस वक्त मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दिन में ना बहुत सारे टाइम आते हैं जो हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं। जी सर, तो वो हमें टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं। जी बोलिए। एक बात और, जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हम ध्यान का वेट करते हैं ना, इससे ये हो जाएगा, मतलब जो भी है ना, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो चाहे मेटलिस्टिक एक्सपीरियंस हो, है ना, तो हमारे अंदर ये आता है कि वो चीज कब होगी, मतलब है ना, ऐसा होता है कि अगर मैं मंत्र करूंगा तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा, तो वो थॉट हमारा क्रिएट एक नॉलेज लेने से भी हो जाता है ना, फिर वो अटता नहीं है, खाली नहीं हो पाता। एक होता है ना हम सहज करें ध्यान, है ना, जैसे समर्पण है तो उसका भी टेंशन हो जाएगा, हम गुरुदेव को प्यार तो करते हैं मानते हैं, पर वो अंदर से वो समर्पण नहीं कर रहे हैं ना जो होना चाहिए, तो शायद ये मंत्र जाप कम करने की वजह से हो रहा होगा, आई थिंक, है ना। देखिए गुरु भाई, मेरा तो निवेदन ये है कि जो समर्पण है ना उसके लिए भी आप जो है ज्यादा परेशान ना हो, चिंता ना करें, समर्पण भी गुरुदेव अपने आप ही करवा लेंगे। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, बहुत सारी साधिकाएं गुरु बहन ऐसी हैं जो हम मंदिर में तमाम तरह के तमाम देवी देवताओं की, पुराने गुरुओं की फोटो रखते थे ना, मूर्तियां रखते थे, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि उसको हटाने में हमें शुरू में बहुत दिक्कत आ रही थी, नहीं हटाया गया, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जैसे हमारा गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ा, प्रेम बढ़ा, तो एक टाइम ऐसा आया जीवन में कि सहज रूप से वो सब मूर्तियां हटा दी गई, सारी फोटो हटा दी गई, पुराने गुरुओं की फोटो हटा दी गई, तो वो समर्पण जो है सहज रूप से अपने आप आएगा, वो गुरुदेव ही अपने आप ही करवाएंगे उसके लिए। समर्पण इन द सेंस है ना, मतलब ये नहीं है कि हमारा कहीं और किसी पे भाव आता है, हम पूरी तरह गुरुदेव को मानते हैं, सब जानते हैं ना, यही हमें साधना में लाए हैं, पर वो होता है जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं बस इतना, ये नहीं हम कुछ और चीज ढूंढते हैं। मेरे तो ये आता है जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो नेगेटिविटी आ जाएगी, तो हमको गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए ना पूरी तरह, तो वो छोड़ नहीं पाते, जैसे कोई चीज होती है ना आंख बंद करके गुरुदेव पे छोड़ दे। जी जी, इसमें देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूंगा, पहली तो ये कि गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि किसी भी देवी देवता को मानते हो तो मानते रहिए, किसी भी देवी देवता को, गुरु को आप जो है श्रद्धा से हाथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने हमेशा ये कहा है कि जो मंत्र मैं बता रहा हूँ ना, मंत्र बस वो जपना है ना, आप भले ही मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, देवी देवता को किसी को भी हाथ जोड़ दो श्रद्धा से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने कहा है, मंत्र बस जो है हमेशा, जैसे आप मान लो गणेश जी की मूर्ति के आगे खड़े हो, शिव जी की मूर्ति के आगे खड़े हो, या भगवान राम की मूर्ति, हनुमान जी की, तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई आप जो है, मैंने जो आपको मंत्र दिया है वो मंत्र आप जपो, क्यों, क्योंकि सारे देवी देवता जो है वो गुरुदेव में ही जो है समाहित है, ठीक है, तो इसलिए गुरुदेव को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी देवी देवता को आप हाथ जोड़ते हो। हम किसी को नहीं मानते, हम गुरुदेव को ही मानते हैं, हम गुरुदेव को ही मानते हैं, बस यही है पूरा अंदर से, पर वो प्रॉब्लम वाला है ना कि हम परेशान हो जाते हैं, बस गुरुदेव को ही मानते हैं तब भी, बस वो परेशानी भी ना फील करें, बस गुरुदेव में लीन रहे। जी जी, वो एक एडिशनल बात मैंने बोल दी थी, ठीक है। तो आपने कहा कि जो परेशान हो जाते हैं, देखिए परेशानी जब आती है लाइफ में तो थोड़ा बहुत, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य बहुत कमजोर होता है, ठीक है, तो विचलित हो जाता है, तो वो बात स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन हमें इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए, हमें ऐसे फायदा उठाना चाहिए कि मंत्र जाप को हम बढ़ा दें, हम गुरुदेव से करुण रूप से प्रार्थना करें। देखिए हमारे प्रार्थना के टाइम पे, ये प्रार्थना के मेथड में हमें ये बताया भी जाता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, मतलब ध्यान के लिए जब आप बैठते हैं तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है अपनी समस्या के लिए, जो भी भौतिक जीवन में कष्ट है, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए वो प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि गुरुदेव ने इस बात को खुद कहा है। अगर आप कभी YouTube पे जाके देखेंगे गुरु पूर्णिमा जुलाई 2005 का वीडियो, तो गुरुदेव ने कहा है, साफ साफ कहा है कि झुककर प्रार्थना करो। जी, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है, ठीक है, साफ साफ कहा है गुरुदेव ने। तो हमें जो है वो अपनी भौतिक जीवन की समस्याओं के लिए वो ध्यान के टाइम पे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव ये बहुत समस्या परेशान कर रही है, आप मेरे कष्ट काटिए। जैसे उस स्पीच में कहा है ना गुरुदेव ने कि झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है, और ध्यान में ये बोलो कि मेरे कष्ट काटो, मैं जब देखता हूँ ध्यान में तो बोलो मेरे कष्ट काटिए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करिए, हमारे कष्ट काटिए गुरुदेव,
हम पर करुणा बरसाइए, दया बरसाइए और हमारे कष्ट काटिए। हमारी ये भौतिक समस्या जो है, जो भी है, वो बता के गुरुदेव से कि भाई ये हमारी भौतिक समस्या को आप दूर कीजिए गुरुदेव। और आप गुरुदेव को चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि गुरुदेव आप ही तो कहते हो कि जो मैं जो मंत्र देता हूँ, ये राधा और कृष्ण दोनों तत्व इसमें शामिल है। राधा तत्व आपको सांसारिक सुख, भौतिक सुख देगा और कृष्ण मोक्ष देगा। तो आप प्रेम भाव से ये भी कह सकते हो कि गुरुदेव आप ही तो कहते हो इस बात को। तो हमारे जो भौतिक जो है दुख है, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो दूर करो। तो होती हैं, हजारों ऐसे लोगों के उदाहरण है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, नाम जप को आप बढ़ा दीजिए। आप तो खुद ही समझ रहे हैं सारी बात, आप जो बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आपने अच्छी तरह समझा हुआ है। तो बस हमें वो नाम जप को, और जैसे आपने ही कहा अभी कि गुरुदेव कहते हैं मंत्र जाप नाम जप ही चाबी है ना जी। तो आप तो जानते हैं कि भाई नाम जप ही चाबी है। तो मंत्र जाप जो है उसको बढ़ा देना है। जब भी हमारे को ऐसे कोई भौतिक कष्ट आता है, समस्याएं आती हैं, तो बहुत सारे गुरु भाई बहने ऐसी हैं जो बैठ के स्पेशल, कि जैसे रात को सोने से पहले बैठ गए, अब एक घंटे जो है हमें मंत्र जाप ही करना है, उसके बाद ही सोना है। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में कोई समस्या है तो खास तौर से वक्त निकाल के, वो जैसे नींद को एक घंटे कम कर दिया, अब वो गुरु को समर्पित कर दिया, नींद को एक घंटे कम कर दिया, वो टाइम गुरुदेव को समर्पित कर दिया। तो हाँ जी, हम सर ये प्रार्थना करनी चाहिए शायद हमें कि गुरुदेव आप जो मिशन को लेकर आए हो, उसका जो मूल रहस्य है, जो मकसद है, उसको हम जाने है ना, सिद्धियों का जो पूरा है ना सार है, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ना कि आप कृपा करें, तब सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी है ना इनडायरेक्टली। जी बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन बस मैं समझता हूँ कि हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये सांसारिक चीजें तो नाशवान है, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए बस। अपने श्री चरणों में, अपने चरणों में हमें हमेशा जगह देना, अपने चरणों में रखना और आपकी भक्ति जो है ना बस, यानी हम आपका नाम जप करें, सघन नाम जप करें है ना, ध्यान करें जी, मंत्र जाप करें और बस आप अपने हमें अपनी शरण में रखना। हाँ जी सर, वही स्पिरिचुअल लेवल में जाए, मतलब जो सिद्धियों का असली तो वही होता है ना, वहां ले जाना गुरुदेव को जी, ये सारी चीजें। तो सर थैंक यू। और ये अभी किसी ने हैंड रेज किया था थोड़ी देर पहले, ललिता जी थे आई थिंक है ना। ओके, मेरा भी ध्यान नहीं गया जी, वो शायद हो सकता है आपसे भी बात करना चाहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। ललिता गुरु बहन स्वागत है आपका। गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ललिता गुरु बहन जय गुरुदेव, हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु बहन। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन मैं अभी। आप बोलिए। ये जो डेली डेली लोग पूछते हैं कि समर्पण कैसे करें, पूर्ण समर्पण कैसे करें, तो उसके बारे में दो लाइन कहना चाहती हूँ मैं। कि अगर हर इंसान में गुरुदेव नजर आए, हर चाहे किसी ने बुरा किया हो, अच्छा किया हो, अगर हर एक में यू समझे कि हाँ ये गुरुदेव है, चाहे बच्चा हो तो भी यू सोचे हम कि ये गुरुदेव ही है, हर जगह गुरुदेव, हर इंसान को गुरुदेव समझ के उसके साथ व्यवहार करे, तो इससे अच्छा समर्पण कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है गुरु बहन आपने। गुरुदेव एक स्पीच में ये भी कहते हैं कि मेरे से सद्भाव से जुड़ो, और फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम मंत्र जाप और ध्यान करोगे तो वो सद्भाव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उससे जो यौगिक क्रियाएं होगी ना, उस मंत्र जाप और ध्यान से हमारे अंदर गुरुदेव के प्रति विश्वास पैदा होगा, और जब हम लगातार मंत्र जाप ध्यान करते रहेंगे तो वो विश्वास 100% हो जाएगा कि नहीं यही है, जो भी है यही है। तो जब वो 100% विश्वास होगा तो वो धीरे धीरे समर्पण में बदल जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक समर्पण हो जाएगा।
जब हम दिन में 10 बार गुरुदेव के चरणों में अपने आप हमारा अंदर से आत्मा जाके झुक जाए उनके चरणों में और अपने आप उनके प्रति अपने आंखों में आंसू भराए, बस बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से, गुरुदेव जो है वो आप ही, तो वही समर्पण होता है। और ये इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले गुरुदेव जो है हमारी यात्रा को ऐसा आनंदमय बना के चलते हैं कि हम ऑटोमेटिक अपने आप धीरे 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 मजे के साथ, आनंद के साथ उनसे इतने जुड़ जाते हैं कि वो समर्पण अपने आप हो जाता है धीरे धीरे, यहाँ तक मुझे लगता है। तो और भी कोई गुरु भाई बहन इसके बारे में बोलना चाहे तो स्वागत ही, जो भी गुरु भाई बहन बोलना चाहे, क्योंकि जब नए जुड़ते हैं तो पता नहीं होता समर्पण क्या होता है, प्रेम विश्वास ये सब चीजें नहीं पता होती है, बस ये तो गुरुदेव बोलते हैं कि मंत्र जाप और ध्यान करो, उससे सबको समझ में आ जाता है धीरे धीरे। और जो रजत भाई बोल रहे थे, ये जो यात्रा है अपनी, ये कोई भौतिक सुखों के लिए, इसके लिए नहीं है। गुरुदेव जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये एक अगम लोक की यात्रा है, मोक्ष से भी आगे अगम लोक तक की यात्रा है। तो इसमें जो भौतिक परेशानियां आती है, इसमें गुरुदेव को हमारे जो भी कठोर प्रारब्ध होते हैं उनको काटना जरूरी होता है। तो थोड़ी बहुत परेशानियां स्वाभाविक है, और उन परेशानियों में भी हम लगातार मंत्र जाप और ध्यान करते रहे तो वो कब कट जाती है, कब निकल जाती है, और उससे हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर के कर्म कटते हैं, और वो कर्म जब कटते हैं तभी हम आगे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो फिर से वही पुनर्जन्म, फिर से वही संसार, फिर वही। तो गुरुदेव का लक्ष्य हमको उनको जन्म जन्मांतर के कर्म काट के और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाना है। तो इसके लिए अगर भौतिक संसार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए, हमारी जो भी पूर्व जन्म के कर्म है, जो भी हमारे साधना के मार्ग में बाधाएं आ सकती है, मोक्ष के मार्ग में बाधाएं आ सकती है, उनको काटने के लिए होते हैं। उस दौरान हमें मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना है, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में शक्ति होती है, गुरुदेव खुद बोलते हैं प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव डेफिनेटली सुनेंगे और हमारी समस्याओं को इतना आसानी से उनसे निकाल देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये सब चीजें होगी जब प्रारब्ध कटेगा, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे साधना करते करते ही ऐसा विश्वास गुरुदेव के प्रति पैदा हो जाएगा कि हमारी आसक्ति हो जाएगी गुरुदेव में और कहीं जाने के लिए मन करेगा ही नहीं, बिल्कुल गुरुदेव से इतने जुड़ जाएंगे, और वो जुड़ाव ही समर्पण है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना बहन स्वागत है आपका। ये कह रही थी आप अपना भी तो आपके प्रारब्ध जब गुरुदेव ने कटवाए थे तो कई साल हो गए थे, वो बता दीजिए। और ये रजत भैया कहाँ से बोल रहे हैं ये आपने नहीं पूछा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बोल रहे हैं और कुछ इनकी अनुभूतियां भी होंगी वो भी आप ले लीजिए। थोड़ा फोन आ गया था, आप वापस बोल रहे हैं, इस बार होल्ड हो गया। मैं कह रही थी कि ये रजत भैया कहाँ से बोल रहे हैं, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए, दूसरा इनकी अनुभूतियां भी होंगी। जी जी बिल्कुल। साधना जी जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। आप तो जानते हो, शायद हमारी बात भी हुई है पहले, राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा अच्छा रजत बोल, अच्छा ठीक है। हाँ आप पर्चे दे दीजिए, यहाँ राजस्थान जी मैं राजस्थान जी राजस्थान में जयपुर के पास बांदीकुई है, मेहंदीपुर बालाजी से हम जाते हैं ना, उससे थोड़ा दूर बांदीकुई जंक्शन है, मतलब जयपुर के पास, अलवर के पास भी अगर कोई अलवर का है गुरु भाई तो जान सकता है ना। मतलब आपकी आवाज कट रही है। हाँ तो अलवर से 60 किलोमीटर है बांदीकुई, मतलब जंक्शन ही है सीधा जयपुर दिल्ली रूट पे। इनकी स्पिरिचुअल स्टेज बहुत अच्छी है, इसलिए इनकी अनुभूतियां भी बहुत सारी हैं, इनसे आप बताइए ना रजत भैया जो भी है। कौन सी वाली? बहुत सारी हैं, आप बताइए। गुरु भाई शुरू से बताइए, आपको गुरुदेव के बारे में पता कैसे चला, कब दीक्षा हुई? अच्छा मेरे से कह रहे हो सर आप? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी गुरु भाई। हाँ जी आपको बताता हूँ मैं सारा, ऐसे बताइए।
हाँ जी सुनिए, मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ, आप आराम से सुनते रहिए सब। कि मेरा जो स्पिरिचुअल अनुभव था मेरे को शुरू से ही था, मतलब बचपन से मान लो कृष्ण भगवान को मानता था एक भाई की तरह। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम लगने पे 2015-14 के बीच में मेरे को गुरु मिले नीम करौली बाबा, मतलब उनको भी बहुत मानते हैं लोग, हनुमान जी का अवतार थे। तो ऑटोमेटिक चीजें हुई, मैं उधर गया, मेरे ड्रीम में आया कि मुझे नैनीताल जाना है। मतलब पहले दिन ही ऑटोमेटिक ड्रीम आया कि नैनीताल जाना पड़ेगा, मैं रो रहा हूँ, मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये तो ड्रीम है, मैं क्यों जाऊंगा। तो एक महीने के अंदर मेरे को वहां जाना पड़ा रियल में, और वहां मेरे को ड्रीम आए लगातार उन्हीं के ही, फॉरिनर्स भी काफी मानते थे। फिर उसके बाद मैंने सुंदरकांड हनुमान चालीसा चालू कर दिया, जो वो कहते थे राम नाम का जाप। तो उसके बाद 2015 में कोई गुरु आए थे मुझे, गुरु अपने जो गुरुदेव है ना अभी, उनका बता रहे थे। तो मैंने 2015 में किया नहीं इन गुरुदेव का, अपने गुरुदेव का मंत्र सुन लिया था। तो मंत्र सुनने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आने लगे, मतलब मेरे अंदर एक वो आता है ना कि खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं परेशान रहने लगा, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं बुक्स पढ़ने लगा, विवेकानंद जी की और भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, योगा करना, त्राटक करना। तो धीरे धीरे 2020 में जाके किसी गुरु बहन ने मुझे दोबारा उनके बारे में बताया, तब मैंने गुरुदेव के बारे में जाना। और इससे पहले कई जो संत थे जैसे मावतार बाबा जी हैं, वो भी मेरे ड्रीम में आए, उनने पूछा क्या चाहिए, तो मैंने बोला मेरे को कुंडलिनी जागरण। तो फिर थी जब मैं अपने गुरुदेव से अभी जुड़ा, तो मेरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट था खुद को जानना। तो फिर मेरे को ये थी कि मुझे गुरु मिले, एक कहते हैं ना गुरु शिष्य को खुद ढूंढता है, तो मेरे अंदर आया कि मुझे भी है ना गुरु चाहिए, तो गुरुदेव मिले। फिर मुझे गुरुदेव से जुड़ने के बाद सब समझ में आया कि कृष्ण भगवान ही गुरुदेव है, उन्हीं ने मेरी क्लास ली। एक बेसिक क्लास होती है ना इंटरेस्ट के लिए कि आप वो साधनाएं कर करके यहाँ पे आए। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुदेव का ही स्टार्ट किया कि यही मेरे भगवान है, घर पे भी बताया सबको। तो अनुभव तो मेरा ऐसा ही था कि यौगिक क्रियाएं हुई, कभी ध्यान लग जाता था, एक होता है ना कि मैं सोचा मंत्र को कैसे करें अपने अंदर लाए, तो कुछ चीजें होती हैं उनको फोकस करने की, तो ध्यान लग जाता था। पर मैटेरियलिस्टिक लाइफ में ऐसा कोई चेंज नहीं है जैसे लाइफ में। हाँ ये चेंज आया कि गुस्सा कम हो गया, जैसे लड़ाई हो जाती थी घर पे तो मेरे अंदर वो प्यार आने लगा माँ बाप के लिए, जैसे कभी मम्मी से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे तो उनसे है ना अपने आप ही मम्मी का भी नेचर बदल गया, डांटती नहीं है और सब बातें सुनते हैं अपने अंदर, तो छोटे छोटे चेंज आते हैं ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रारब्ध भी होते हैं ना, तो जर्नी चलती है, थोड़ा परेशान होता हूँ, ध्यान करता हूँ, पर लोगों को मैंने ध्यान बताया उनके अनुभव जरूर आते थे, जैसे नेगेटिव एनर्जी के जिनको मैं ध्यान बताता था, तो ऑटोमेटिक गुरुदेव ही प्रचार करवाते हैं। मेरा यह रहता है कि ऑनलाइन ही करूं, सोशल मीडिया से सबसे करूं, तो मैं अपने लेवल पे प्रचार करता हूं। तो लोगों के ही रहते थे कि कोई के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती थी, उनसे बात करती थी, फिर कहती थी ये गुरुदेव कौन है और ये कहां से आ गया, ये लड़का कौन है, फिर मैं उनको समझाता था आप समर्पण रखो। तो ये सारी चीजें होती थी, और यौगिक क्रियाएं तो सभी के हो ही जाती है ना, ये मेरा अनुभव है। और ये भी है कि गुरुदेव सुन लेते हैं कई चीजें, और कुछ चीजें पता लगती है, ये हम सोचते हैं ये चीज अभी चाहिए, यही चाहिए, बाद में पता लगता है कि वो सही है नहीं मिली है ना, तो ये सारी चीजें चलती है। ये था अनुभव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आराधना है आपकी, फाइनली आपको सच्चे समर्थ सतगुरुदेव मिल ही गए। बाकी सब में और गुरुदेव में कितना फर्क है ये भी आपने अच्छे से जाना, साधना चलती रहे, यही प्रार्थना है गुरुदेव से। बांदीकुई में मतलब किस जगह से हैं आप बांदीकुई में जानते हो, मतलब आप बांदीकुई के बारे में जानते हो, आप कहाँ से हैं मैम? मैं जयपुर से हूँ, शक्ति सिंह है धीरावत। शक्ति सिंह जी गुर्जर हैं क्या? नहीं धीरावत राजपूत है, इतना नहीं पता। पर बांदीकुई में हम बसवा रोड है, वहाँ पे महेंद्र नगर कॉलोनी है पंचायत समिति के सामने, तो महेंद्र नगर। जी तो आप जयपुर में रहते हैं, मतलब जयपुर तो आना जाना सही रहता है बांदीकुई वालों का, मतलब घर ही मान लो। बिल्कुल, तो आप सेशन से जुड़ते रहना गुरु भाई, और भी अपनी अनुभूतियां साझा करते रहना, इससे सबको प्रेरणा। हाँ जी जरूर। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहे तो स्वागत है उनका।
विनोद जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु बहन, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ नए जो है नजर आ रहे हैं, दीपिका जी और एक जो है, अगर इनको इनवाइट करके देखिए अगर ये लोग आना चाहें, गोकुल सिंह जी और भी कुछ है तो एक बार इनवाइट करके देखिए। जय गुरुदेव। जो भी नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं मन से, वो एक बार आके अपना परिचय दे और बताए कि गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, उनकी साधना कैसी चल रही है। दीपिका जी गुरु बहन स्वागत है आपका। दीपिका गुरु बहन स्वागत है आपका, एक बार आके और अपना परिचय दे और बताए कि गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। जब तक वो नहीं आ जाती, कृतिका राठौड़ गुरु बहन भी शायद नए जुड़े जी। दिलीप सिंह जी स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। आज एक छोटी सी अनुभूति है मेरी आज की। जी गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा गुरु भाई, बता देता हूँ। बात नहीं, आप बताइए गुरु भाई। मुझे ज्यादातर मतलब सारी अनुभूतियां सपने में ही होती है, तो सपने में ही आज देखा कि एक संत है, कोई महात्मा है, एकदम जटाधारी, और वो हमारे घर आए हैं। घर आके बैठ गए और सामने मेरी मम्मी बैठी है और घर की दो और महिलाएं बैठी हुई बातचीत कर रही है। तो बाहर से मैं आता हूँ, पहले तो खड़ा होके देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं है। थोड़ी देर तक खड़ा रहता हूँ, फिर वो खुद ही आते हैं मेरे पास। जैसे ही मेरे पास आते हैं तो मुझे पता चलता है ये दादा गुरुदेव है। जैसे ही पता चलता है, मैं उनके पैरों में गिर के जोर जोर से रोने लगता हूँ, ये तो दादा गुरुदेव है। फिर वो उठाते हैं और उठा के मतलब गले से लगा के खुद भी खूब रोते हैं और खूब मतलब मैं रोता हूँ। बस इतनी अनुभूति है, इतनी मेरी नींद खुल जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य अनुभूति है। दादा गुरुदेव का आना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु भाई, और भी कोई अनुभूति हो तो साझा करें गुरु भाई। जी गुरु भाई, अभी तो यही है बस, और तो सब बढ़िया चल रहा है। खूब अच्छे से मंत्र जाप हो रहा है, ध्यान भी दोनों टाइम अच्छे से हो रहा है। मंत्र जाप के लिए तो मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा। सुबह का सेशन जो होता है हमारा 5 बजे का, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब लाभदायक हो सकता है, होता है मेरे लिए तो। मतलब जब से मैं ये अटेंड करने लगा हूँ, गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बनाई मेरे लिए कि मैं 4 बजे उठने लग गया। 4 बजे उठ के नहा धो के ध्यान में बैठता हूँ और बहुत अच्छे से मंत्र जाप सकता है मेरा पूरे दिन एकदम, जो बोलते हैं ना गुरुदेव तेल की धार की तरह, वैसे ही मेरा चलता है। तो सुबह का ध्यान मतलब सब अटेंड करें तो। हाँ, सुबह का ध्यान उससे नियमितता आ जाएगी, जल्दी उठा भी जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सभी से आग्रह रहेगा कि सुबह का जो 5 बजे का सेशन है वो सभी गुरु भाई बहन अटेंड करें। मैं भी कोशिश करूंगी। जी गुरु भाई, क्योंकि मैं पहले 6:30 या 7 बजे करता था तो उतना मेरा नहीं होता था, लेकिन फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब 9:30 बजे सो जाता हूँ। पहले मैं भी 11 बजे से पहले नहीं सोता था, अब 9:30 बजे सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, नहा धो के ध्यान में बैठ जाता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो सब पॉसिबल हो जाता है। ऋतिक जी ने हैंड रेस्ट किया है। ऋतिक जी बोलिए। क्या गुरुदेव? गुरुदेव जी, ऋतिक जी गुरु भाई स्वागत है आपका। बहन, एक छोटी सी अनुभूति थी मेरी, क्या था कि
मेरी एक बैड हैबिट थी, मतलब बचपन से मैं पान खाता था सोते समय, क्या है कि पड़ गई थी आदत। तो कल मैंने कहा कि अगर गुरुदेव आपके दर्शन हो गए सपने में तो मैं इसको छोड़ दूंगा, और उनके दर्शन हो गए मुझे सपने में तो मैंने आज छोड़ दिया। लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये क्या चला गया मेरे से, मतलब थोड़ा सा मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे कि मेरी फैमिली नहीं जानती, वाले नहीं जानते थे कि मैं खाता हूँ, लेकिन मैं चोरी से खाता था। तो अभी मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था, मैं सोचा कि अपनी बातें रखूं और कोई सुझाव कि मैंने सही किया गलत किया, या फिर ये भ्रम था मेरा, ये कुछ सवाल थे मेरे, हो सकता है कि भ्रम हो मतलब। कोई भी गुरु भाई बहन इस पे अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। आपने फोर्स करके छोड़ा है जान, गुरुदेव तो कहते हैं कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको छोड़ के चली जाएगी, वृत्तियां बदल जाएगी अंदर से, तो आपका मन ही नहीं करेगा उन चीजों के लिए। तो आपने छोड़ दिया, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लगा मतलब छोड़ने, मुझे लग रहा था कि मैं गलत करता हूँ अपने साथ, तो मैं छोड़ ही दिया। ये तो अच्छी बात है, अगर कोई गलत चीज छोड़ दे तो अच्छी बात है। अब आप मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहे तो फिर आपका मन भी नहीं करेगा वो खाने का। और जी भी गुरु क्या कहते हैं, मैं क्या है कि मेरे मुंह में मीठा पानी आता रहता है हमेशा, मतलब और वो जो मेरी जो हैबिट थी वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जो मन में इच्छा होती है कि हम उसे खाएं, जो गलत चीज है उसकी इच्छा बिल्कुल चली आती है, मतलब 50% तो चली आती है, 50% रहती है लेकिन 50 चली आती है। जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन स्वागत है। क्या ये ऋतिक भैया क्या खाते थे, पान खाते थे क्या बता रहे हैं? पान 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 के गलत चीज थोड़ी है। तो और पहले मेरे हिसाब से तो आपको अपने आप मतलब गुरुदेव की साधना से छूटता ना ऑटोमेटिक, वो ज्यादा सही है। अगर आपकी इच्छा तो खा सकते हैं आप, और पान इतना गलत भी नहीं, और गुरुदेव तो शराब के लिए भी बोलते हैं एक की जगह दो बोतल पीवो अपने आप छूट जाएगी वो। तो मेरे हिसाब से तो अपने आप साधना के द्वारा छूटेगी वो, ज्यादा नेचुरल सहज रूप से छूटेगी वो, ज्यादा अच्छा रहेगा जी गुरुवेन। और हाँ जी, और जो अभी आज समर्पण की बात चल रही थी रजत गुरु भाई ने जो बताया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि समर्पण जैसे देवी देवता का अपन बोलते हैं, तो देवी देवता तो हमारे घर में कभी भी नहीं पूजे गए, तो फिर भी मेरा समर्पण नहीं हो रहा था, मतलब गुरुदेव को ही मानते थे। तो ऐसे लगता है कि अपन गुरुदेव की बातों पर विश्वास नहीं करते है ना, तो समर्पण नहीं होता है अपना, मतलब उनकी बातों पर अपन को पूरा विश्वास नहीं होता है, तो अपन उसको बस यूं ही नाम जप करते रहते हैं। अगर विश्वास हो जाता है उनकी बातों पे तो उसको नाम जप करने में आनंद ही आएगा अपने को, तो आनंद का तो समर्पण हो ही जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जैसे मैं, और वो भी फिर किसी का विश्वास नहीं आता तो वो नाम जप करते करते ही कभी विश्वास बनेगा गुरुदेव के प्रति, मतलब उसकी चाबी भी नाम जप ही है, विश्वास की भी और समर्पण की भी। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे मतलब मेरा पहले के बजाय ज्यादा समर्पण लग रहा है मेरे को, कि पहले मैं सोचती थी गुरुदेव बोल रहे हैं यूं ही बोल रहे हैं अपन, बस एक अच्छी चीज को कर रहे हैं, ये भावना रहती थी कि अच्छी चीज कर रहे हैं अपन, पर नाम जप करते करते धीरे धीरे अपने शरीर पे अपना कंट्रोल बढ़ने लगता है, जो क्रियाएं होती है उनसे अपना कंट्रोल बढ़ता है। श्रीमान नोट किया है जो क्रियाएं जैसे मूलबंध वगैरह है, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाता था जब हठ योग की क्रिया करते थे, और गुरुदेव की साधना ऑटोमेटिक होता है, आपका कंट्रोल बॉडी के ऊपर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक ही समर्पण भी विश्वास भी उनकी बातों में बढ़ता है, गुरुदेव की बातों में। और वो समर्पण उसको विश्वास बोल दो चाहे समर्पण बोल दो, एक की बात है। और तीसरा जो बहन है वो अपना परिचय कहां से है, और एक वो जो बात बोल रहे थे कि सब में गुरुदेव को देखें, वो भी सही बात ही है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सारी सत्ता एक ही है, एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो अपन लोग सबके सब एक ही सत्ता के अंग प्रत्यंग हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो जब अपन गुरुदेव का प्रचार करते हैं तो एक तरह से अपन खुद की भलाई, खुद का ही मतलब खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपना ही कोई हिस्सा अगर साधना करके अगर वो इम्प्रूव होएगा तो अपने लिए उसके लिए तो बेहतर है ही, और अपने साथ अपने लिए भी बेहतर है, अपने लिए भी अच्छा होता ही है ना, क्योंकि अपना ही तो हिस्सा है वो भी। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ललिता गुरु बहन से ही परिचय लीजिए, वो कहाँ से है पहली बार सुना उनको। जय गुरुदेव।
साधना गुरु बहन मैं कुछ कहना चाहूंगा एक मिनट मैम हेलो मैं कुछ कहना चाहूंगा अभी जो गुरु बहन कह के गई है कि देखो चीजें मेरे लिए समर्पण ये है कि बहुत बारीक चीज है मतलब मेरा ये नहीं है कि देवी देवताओं से है मेरा तो गुरुदेव से ये सारा प्यार गुरुदेव से ये मुझे तो ये भी पसंद है कि मेरे घर में भी ध्यान करे जो मुझसे बात करता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ गुरुदेव का ध्यान करे पर ये बहुत बारीक चीज होती है समर्पण इन द सेंस वो पूर्ण समर्पण जो अर्जुन का कृष्ण के लिए था वो मुझे नहीं लगता हर किसी में है वो बहुत ही गहरी चीज होती है ना वो लाखों में एक में होती है तो मैं उस लेवल पर बात उसके लिए गुरुदेव की जब ले हाँ गुरु भाई उसमें जो गुरुदेव की लेखनी आजकल पढ़ी जा रही है उसमें बहुत बार आया है कि जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी वो चीज नहीं आ पाएगी वो समर्पण प्रत्यक्ष अनुभूति बहुत जल्दी हो जाए और अगर अच्छे नहीं है इतने पूर्व जन्म की इतनी साधना नहीं कर रखी तो इस जन्म में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने को फिर कभी गुरुदेव अपने को प्रत्यक्ष अनुभूतियां कराते रहेंगे वो अनुभूतियां बढ़ती जाएंगी तो समर्पण भी बढ़ता जाएगा यही मैं कहना चाहती हूँ समर्पण मेरे लिए तो वही है मतलब मेरे तो गुरुदेव को ही मानता हूँ मेरे को तो यही है हर कोई गुरुदेव का करे वरना चैन नहीं मिले मैं तो ध्यान ही ना छोड़ूं तो और ये मेन है कि मंत्र जाप ही है मेन तो सभी जानते हैं ना वो कब फलित हो जो भी है ना सेल्फ रियलाइजेशन उसका टाइम फिक्स नहीं है और एक समर्पण ये भी है एक गुरु भाई समर्पण ये हाँ गुरु भाई समर्पण एक ये भी है कि जैसे अपन गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आप जब नाम जप करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपका वो शरीर मन प्राण को अपने कंट्रोल में करेगी और अपने शरीर की फायदे के लिए जो योगिक क्रियाएं वो करवाएगी तो एक अपना आप अपने आप को अपन खुला छोड़ दें उस जो गुरुदेव की जो शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अपना काम करने दें अपन ये भी एक समर्पण ही है अपन नाम जप करते रहे और जो काम वो कर रही है उसके लिए अपने आप को फ्री कर दें वो भी समर्पण ही है वो भी अंदर से आएगा गहराई में ऑटोमेटिक जब मन कंट्रोल में होगा ना साधना गुरु ये साधना गुरु बहन कुछ कह रही हैं आई थिंक बहुत देर से एंट्री है उनका ये साधना गुरु बहन स्वागत है आपका हाँ जय गुरुदेव पहले तो मैं ये ऋतिक भैया को बोलना चाह रही थी कि इन्होंने जो पान छोड़ा और गुरुदेव से हमने कहा कि गुरुदेव अगर आप दर्शन दे देंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा ये चीज मेरे साथ हुई है मैं एक मतलब कुछ चीज ऐसी है जो मेरी हैबिट में मेरी में भी शामिल है और मैंने हजारों बार ऐसा अपनी तरफ से प्रयास करना चाहा है कि गुरुदेव कल से मैं ऐसा कर दूंगी मैं कर दूंगी मतलब मेरे अंदर मैं कर दूंगी और ऐसा हो जाए लेकिन मेरी हजारों प्रयास भी मेरे विफल हुए हैं तो ये ऋतिक भैया को तो ये अब उसका ना जो गुरुदेव आपने बोल दिया लेकिन आपके गुरुदेव इतनी परीक्षा लेंगे कि मतलब ले सकते हैं मैं ये नहीं कह रही कि आप तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे इसलिए अपनी तरफ से बुद्धि के प्रयास से छोड़ते हैं तो गुरुदेव हमें वो मैंने देखा है खुद के अनुभव से कि मेरा टूटा हुआ ही है हर बार तोड़ दिया है मेरे से नहीं हुआ है फिर बाद में लास्ट में अंत में गुरुदेव से गुरुदेव आप ही कर सकते हो मेरे बस का नहीं है मैं नहीं कर सकती ऐसा तो अब आपने जब गुरुदेव से कह ही दिया है तो ये तो आप देख लीजिए दूसरा ये कि जो समर्पण की बात हो रही है वो मैं ये कहूंगी कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जितना हम मंत्र जाप करते हैं प्रेम भी हमारा अंदर से मंत्र जाप से ही बढ़ता है और समर्पण भी मंत्र जाप से ही आता है दुनिया की कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो हमें वो छोटी लगने लग जाती हैं और गुरुदेव के चरणों शरणों में हमारा प्रेम बरकरार रहता है सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र जाप से आपने देखा होगा कि ये जो प्रैक्टिकल मेरे साथ मेरी बेटी आज भी बेड पे ही है और क्या नाम है एडमिट भी रही है लेकिन मुझे मेरे चेहरे पे सिकन तक नहीं आने दी जबकि मैं छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाती हूँ मुझे रोना आ जाता है लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा हादसा मेरे सामने है हॉस्पिटलाइज है और उसके ब्लड चढ़ रहा है चारों तरफ से उसके सुइयां घुसी हैं नाक में कुछ है मुंह में कुछ है उससे मेरे चेहरे पे सिकन नहीं आ रही तो आप देखिए क्या है गुरुदेव ने क्या मुझे कर दिया ऐसा
तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं देखती हूँ कि गुरुदेव के प्रति बस प्रेम बढ़ सकता है तो एक मंत्र जाप ही है। ये मेरे मंत्र जाप, मैंने ये एक आध महीने कंटिन्यू लग के गुरुदेव के सामने बैठ के किया है। उसके बाद जो रिजल्ट पाया है ना, वो उसके आधार पे बता रही हूँ कि गुरुदेव के प्रति प्रेम उसी से बढ़ता है, समर्पण भी उसी से ही आता है। दुनिया में हम किसी भी कंडीशन में रहें, गुरुदेव हमें सहज और नॉर्मल ही रखते हैं। हम एकदम बौखलाते नहीं है, हम बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते और बहुत दुखी भी नहीं होते हैं। बस यही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव जी। मुझे इस चीज पे एक कुछ और कहना है साधना गुरु बहन की, इस चीज पे कि मैंने दो चीजें देखी हैं जो लोगों के अनुभव हैं और खुद के, कि मंत्र जाप से तो बढ़ता ही अगर आप पूरा मंत्र जाप कर रहे हैं, और दूसरा कईयों की जो बीमारियां ठीक हुई हैं बड़ी से बड़ी, वो ये भी है समर्पण। या तो वो समर्पण ऐसा कर देते हैं ना, नेचुरल दिमाग नहीं लगाते तो उनकी चीजें चली जाती हैं, वो इतना मंत्र भी नहीं करते पर समर्पण ज्यादा रखते हैं, और कुछों को मंत्र ज्यादा करना पड़ता है। तो मंत्र तो है ही, क्योंकि गुरुदेव ने साधक और गुरुदेव के क्वेश्चन आते हैं एक पोस्ट में, तो उसमें गुरुदेव हर चीज में नाम जपो ही लिखते हैं ना, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, गुरुदेव ने हमेशा ही लिखा है नाम जपो। मंत्र जाप ही काम आता है। मंत्र जाप अगर समर्पण नहीं है तो मंत्र जाप को पकड़ लीजिए, मंत्र जाप से ऑटोमेटिक गुरुदेव करा लेते हैं, हो जाता है। क्योंकि वही हमारे अंदर प्रेम पैदा करता है, वही हमारे अंदर लोगों के प्रति संभाव पैदा करता है। हाँ, वो अगर समर्पण नहीं आ रहा है, पर कईयों के नेचुरल गुरुदेव पकड़ते हैं, जैसे जो मंत्र भी नहीं कर पा रहा है, ज्यादा बीमारी है, तो उन्होंने मुझे बताया भी एक गुरु भाई है कि उनका माइंड डैमेज था, मतलब ब्रेन डैमेज था और लीवर, बोल भी नहीं पाते थे। तो मैंने पूछा हम मंत्र कितना किया करें, जिस इंसान का ब्रेन डैमेज है वो कैसे करेगा। मैं तो भगवत पुराण पढ़ता था, रोता था, तो वो गुरुदेव खुद एक दिन यूट्यूब पे देखा गुरुदेव का, वो मंत्र सुना, ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगा। तो उनके प्रारब्ध भी थे, उनका मन भी था साफ, है ना, जो भगवत पढ़ता था, तो गुरुदेव ने ऑटोमेटिक शरण में लिया। प्रारब्ध भी तो काम आता है। अब शुरू में जैसे 6-7 साल मुझे भी नहीं हुआ, और उसके बाद में जी। हाँ जी बोलो। हाँ, मैं ये कह रही थी ये प्रारब्ध भी तो काम आते हैं, या फिर आड़े या फिर कोई भी कष्ट है। वो जैसे कि 7 साल तक मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और 7 साल बाद गुरुदेव ने मुझे मतलब मेरे प्रारब्ध कर्म बस मेरे, मैं अभी भी काट रही हूँ। जैसे कि अभी अनु गुरु बहन भी कुछ बीच में बहुत सालों तक इस चीज को लेकर के बताया नहीं, मैंने कहा भी था कि आप बताइए। तो इस तरह से लोगों के बीच में प्रारब्ध आते हैं और चले जाते हैं, और हम सहज भी बने रहते हैं। बबिता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बबीता जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भैया। जय गुरुदेव गुरु भैया। मैं रजत भैया के लिए सिर्फ एक लाइन ही बोलना चाहती हूँ, ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी। जिस प्रकार गुरुदेव ने हमें ये घड़ा भरा है, जैसे घड़े आधे थोड़ा सा पानी डालने से वो घड़ा नहीं भरता है, नहीं बाहर चलकता है। जैसे जैसे पानी से वो घड़ा भरता जाता है, वो ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलने लग जाता है। जितना वो भर जाएगा पानी बाहर निकलने लग जाएगा। वैसे ही जैसे हमारे इस मंत्र रूपी घड़ा भर जाएगा, समर्पण ऑटोमेटिक अपना आप होता चले जाएगा। इसमें किंतु परंतु किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गुरुदेव ने कहा है कि ये सारी चीजें हमारे प्रारब्ध, वर्तमान और गुरुदेव से कितना कनेक्ट है, तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। किसके साथ कैसे क्या हो रहा है उसको तुलना हम हमारे से नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। सिर्फ गुरुदेव ने फोकस दिया मंत्र जाप को, और मंत्र जाप से जितना हमारा घड़ा भर जाएगा, जो जो बढ़ता चले जाएगा, हमारा समर्पण ऑटोमेटिक होता चले जाएगा। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव जी। बहुत अच्छी बात बोली गुरु बहन आपने। सबका इसमें अलग अलग अनुभव होता है। किसी का समर्पण पहले हो जाता है मंत्र जाप बाद में, किसी का मंत्र जाप होने के बाद ही समर्पण होता है, योगी क्रिया होती है। जैसे मेरा भी अनुभव यही है कि मैं मंत्र जाप जानती पता ही नहीं था, मुझे मंत्र के बारे में ही नहीं पता था, और जब मैं जुड़ी थी तब ओपन भी नहीं था मंत्र और पता नहीं था, लेकिन मेरा पूरी तरह से गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया था मुझे, और बिल्कुल सपने में आना, दर्शन देना, जबकि गुरुदेव को एक बार देखा भी नहीं था मैंने, फिर भी उन्होंने सपने में आके दर्शन दिए सब कुछ, और पूरी तरह से समर्पण मेरा गुरुदेव के प्रति। बस गुरुदेव वो ही है, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कोई देवी देवता नहीं, कुछ नहीं। और जब मैं 11th क्लास में ही पढ़ती थी
तो तब और उसके बाद भी मुझे जब मेरा प्रारब्ध शुरू हुआ तब भी मुझे मंत्र जाप का कुछ नहीं पता था, लेकिन उस वक्त जो समर्पण हो गया था जब मैं जुड़ी थी उसकी वजह से गुरुदेव ने मुझे पकड़ रखा था। मैंने गुरुदेव को बिल्कुल नहीं, ना मंत्र जाप ना ध्यान, लेकिन गुरुदेव ने मुझे बिल्कुल वो उस प्रारब्ध के दौरान इतना मुझे संभाल के लाए गुरुदेव। और बाद में जब प्रारब्ध कट गए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने ये मैंने इस वक्त मैंने ये किया ये सब कुछ। तो गुरुदेव इस तरह मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं था। फ्यूचर भी दिखाया गुरुदेव ने मुझे, जब मैं निराश हताश हो जाती तो मुझे फ्यूचर भी दिखाते थे गुरुदेव कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। आज की लेखनी में जो था सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो वो जो पूर्व निर्धारित था वो पहले ही मुझे गुरुदेव दिखा रहे थे। हालांकि उस वक्त मैं नहीं समझ सकी, लेकिन जब वो मेरे आंखों के सामने आया जो मुझे सपने में गुरुदेव दिखाते थे, तब मुझे गुरुदेव के लिए सोच के मेरे पास निशब्द मैं हो गई। और तब मेरा इतना मतलब मैं इतना मुझे रोना है, गुरुदेव इस तरह आप मेरा साथ दे रहे थे मैं नहीं समझ पाई। और जबकि मैं नाम जब ध्यान कुछ नहीं कर रही थी, बस मैंने मेरे दिल में गुरुदेव थे और मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो ये चीज है, कभी कभी जो है समर्पण पहले हो जाए। सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव है साधना में, सबके अपने अपने अनुभव है, अपने अपने प्रारब्ध अनुसार सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। एक बात और बोलना चाह रही गुरु बहन, वो समर्पण नहीं है, गुरुदेव से कनेक्ट है और गुरुदेव ने हमारी जो तपस्या कर रखी है वो है समर्पण करते जैसी भी कंडीशन में, उसमें हम एक पॉइंट भी नहीं रखे और उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं, वो समर्पण होता है। जैसे मीरा ने किया और प्रहलाद ने किया, वो समर्पण है। उन्होंने कभी भी नहीं तो उन्हें क्रोध आया नहीं गुस्सा है, कभी भी क्वेश्चन नहीं खड़ा है, जो जैसा उसके साथ बीत रहा था उसको सहज स्वीकार करके और मंत्र जाप करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। समर्पण वो होता है। और एक गुरुदेव हमारा जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं आंतरिक, जिससे हम आगे बढ़ सके। जैसे बच्चा पैदल चलने लगता है तो थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है, तो उसका हमने किसी न किसी इसको सपोर्ट करते हैं और फिर उठाते फिर वो चलता है। ऐसे ही गुरुदेव हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अपन को फिर गुरुदेव नहीं मिलते। गुरुदेव तभी मिलते हैं जब हम पूर्ण शिष्य हो जाते हैं। इससे पहले गुरुदेव मैंने एक सुना है कहीं कि हमारे जन्म के साथ हमारा गुरुदेव खड़ा होता है, लेकिन जब तक हमारा पूर्ण शिष्य बनने का टाइम नहीं आता वो हमारे साथ खड़ा रहता है, और जब समय आ जाता है तो हमें अनुग्रहित करके शिष्य बना लेता है। गुरु बहन मैं जितना ही जानती हूँ, और देखो मुझे इतने शास्त्रों का इन चीजों को पता नहीं है, बस जय गुरुदेव। अच्छा बोला आपने, हमें पता भी नहीं है सही बोले तो सही तरीके से समर्पण क्या होता है अच्छे से। ये बहुत ही गहरी और बहुत ही उच्च लेवल की बात है, बिल्कुल सही बोला है आपने। समर्पण जो है वो हर एक स्थिति में संभाव सिर्फ गुरुदेव, जो भी है जो भी नकारात्मक सकार जो भी कुछ है सब कुछ गुरुदेव का है। जो भी है हर स्थिति में संभाव बने रहना, गुरुदेव के प्रति प्रेम बने रहना हर पल, समर्पण की अवस्था होती है। शायद अभी उसको अच्छी तरह तो हमारी बुद्धि तो शायद डिफाइन कर पाए, ये पॉसिबली नहीं है। अभी आज सेशन का टाइम हो गया है, बाकी आगे की चर्चा कल करेंगे। जी मंजू गुरु भाई, जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।